सभी दोस्तों का नमस्कार और जिनका भी जन्मदिन होने बधाई हो। जुलाई लगभग एक तिहाई चली गई, दो तिहाई चली गई, एक तिहाई बची और हम चल रहे हैं अपने जंगल घूमने। चारा तो कल ले आए हैं, ये जा रहे हैं खाद देने आ गए ट्रैक्टर वाले। बाकी जी आपका मौसम ने तो खैर बारिश की तरफ से धमाल ही मचा रखा है। इस रास्ते पे कभी गारा ना हो गया आपके, इसमें भी गारा है। अपने यहाँ के जो मौसम वैज्ञानिक हैं अब कह यो वो कर रहे हैं वो कह जी ना जो है मानसून हल्का रहेगा, हल्का सामान्य रहेगा। और इतनी प्रचंड शुरुआत हुई है मानसून की तो उससे अंदाज़ा लग जाना चाहिए मौसम वैज्ञानिकों को अपने उसका काबिलियत का। अगर उनमें कम है तो जो उन पर इक्विपमेंट हैं वो लेटेस्ट नहीं है। बहरहाल उनकी एक्यूरेसी जो है उस पर मैं तो भरोसा ज़्यादा कर नहीं पाता। बारिश का कोई भरोसा नहीं, जब वो दिखा मैं बारिश होएगी तो होती नहीं और जब ना दिखाते तो हो जावा है। और अब तो लगातार ही बारिश दिखाऊंगे ताकि कहने का जी कुछ ना पता अब तो कब बारिश पड़ जा। ट्यूबवेल चल लिया आयो, पानी आ नहीं रहा इसमें, दिखाते हैं इनकी जो तो पटे वाले कुओं की समस्या है। अभी पानी ढा रहा ऑपरेटर से चल लिया हुआ कुआ, ऐ चलता रहेगा अभी खाली। अब इसकी हवा निकलेगी पहले, जब जाके चलेगा ग्लैंड ब्लैंड भरी जावे, उसे ग्लैंड बोले हैं यहाँ तो। ये है जी पगडंडी जाने की खेत पे हमारे जो शॉर्ट कट है। लॉन्ग कट तो बहुत दूर से आया, हाईवे की तरफ से घूम के दिखाया ये पहले भी खैर मैंने। बाकी अभी जब गन्ना खड़ा है छोटा छोटा अभी थोड़ा सा तो कोई दिक्कत ना आए हाँ वो। और जब ये अगस्त के आखिर में जाके लोड पीट होंगी ईख है तो यहाँ को निकलना दोबारा हो जाता है। यहाँ से जी हमारे खेत स्टार्ट। पोका बोइंग का असर भरपूर है, अब भी बारिश से मन के थोड़ा बहुत हल्का पड़ेगा शायद, लेकिन नहीं जी अभी कुछ असर है नहीं ज़्यादा। इनके पे भी है वैसे असर तो, खैर सब पे ही है इसका असर, इस रोग का असर आपको सब पे ही है। हमारा मुंहवेरी बता रहे अजीत के जी इधर भी बेहिसाब है वो, ये बारिश की वजह से है, बारिश की वजह से। और इस पर स्प्रे करवाया जावा है और इस दुविधा में जावा है जान सोचने फैसला लेने के मामले में। और ये है जी हमारे धानों की फसल, पानी बारिश तो बतरी पड़ी है पर इसमें पानी नहीं है, ट्यूबवेल चलाना पड़ेगा अगर बारिश नहीं हुई तो। फिलहाल नमी तो खैर बतेरी है इसमें। यो जितना भी असर पीला पीला दिखाई दे रहा है सब पोका बोइंग का मामला है। अभी तुम्हें दिखाता हूँ अगर कोई पत्ता नहीं खोल गया कि असल में है क्या आफत। जैसे यो है ये फंगस की वजह से गलत लगे ये पत्ते अब तक, हालांकि यो है मेन जो चल रहा है ये तो फिलहाल सही चल रहा है। अगर यो चलता रहे तो कोई दिक्कत ना आए, पत्ते चलो फिर रिकवर कर जाएंगे हटते ही, लेकिन मसला ये अगर यो गल गया समझ लो तो ख़त्म ग्रोथ पौधे की। अब इतनी भारी बारिश में मतलब ठीक ठाक बारिश हो रही है, रोज ही हो रही है, लेकिन इसका असर ख़त्म नहीं हो रहा है पोका बोइंग का। एक जान को आफत ही हो लता बेल जो भी है इस खेत में थोड़ी थोड़ी, इसका भी प्रबंधन करना पड़ेगा कुछ ना कुछ। इस वाले खेत में सबसे पहले बोया है, इसमें तो पोका बोइंग का असर हल्का कम है।
अब ये खेत है जी, इसका इतना जो पैच है वो मैंने पिछली पहली शुरुआती वीडियो में दिखाया, जब थोड़ा छोटा छोटा है खेत का, इतना पैच मतलब इतना बिचाला ख़राब है वो। अब देख रहे हो सिंगल पौधे खड़े हैं, एक तो जमाव बहुत कम हुआ इसी वजह से, और बढ़वार भी है ही ना खेत के मतलब अलग ही है, इतना बिचाला मट्टी खिंच के ही उड़ाना टक रहा है कुछ सालों तक। इन खेतों में तमाम लागत लगाई है लेकिन रिजल्ट ज़्यादा है नहीं, यहीं से डीमोटिवेशन स्टार्ट होता है जब मेहनत का रिजल्ट ना मिले। लेकिन डीमोटिवेट होता था मसला ही ना हुआ तो खैर, पर अगर जो रिजल्ट आ गया तो उत्सुकता बनी रह। बाकी अब चल रहा है हम तेरा घर। राम राम जी। देखो गांव में बाहर रहने का ये तो नुकसान है तुम्हारा, अभी हाँ अभी तुम खाती तो फिर रही हो तमाम ताम झाम, तो मेरी वीडियो बना रहे हैं। बिल्कुल जरूरी है, मन के बताना चाहिए। देखो गांव से बाहर रहने के दुष्परिणाम क्या है, ये है इनका मकान और ना दुकानदार घर पहुँचा जाता तुम्हारा, ऑनलाइन बुकिंग करते करो, ऑनलाइन तो खूब सारा सामान हो गया, कोई तो हो जाएगा। अब बेसन भेजा हुआ है, अरे और अमेजोन से मंगवाया करो, तो बड़ा फोन नहीं है, बड़े फोन तमाम है। तुम भी तार बार बनवा लो ऐसे ही हो। जब जाएगा जब सवेरा है? जब जाएगा जब सवेरा हाँ, ये बात तो सही है। ये कौन छोड़ रहे हैं ढो जानवर इसे छोड़ रहे हैं? बढ़िया है, सब बढ़िया। चलो आओ भी गाँव में घुमा ला मैं तुम्हें। तुमने ये डिलीट कर दिया अभी कहाँ? तो जी शाम के बज गए 5:15, जिम जल्दी है, मंदिर के पास पुलिस की तैनाती। जय श्री राम, जय हनुमान। बाकी 100 नंबर भी बढ़िया चला दी, हर जगह घूमते रहे कि जो कोई डर ना है, मतलब डर ना है से मतलब ये है सबको डर है। हाँ मुझे में जरा उल्टा कह गया, अब सबको डर है, जो गलत काम करने वाले हैं उनकी तो डर है। कभी लोग इसी बात को बोल के अब डर ना है तो डर है, सबको गलत काम करने वाले उड़ा रहे हैं। बाकी बिंदास अपने जाप चले जाओ। चलो कनेक्ट कर लो फोन अपना, कनेक्ट कर लो, तुम्हारे पास निगाने सुन लेंगे। क्या लगाओगे आज? है भी क्या लगाओगे आज? आज बैक लगे। अबे यार मैं तो ब्रत है आज, डेडलिफ्ट में थोड़ी एनर्जी चाहिए ना एक्स्ट्रा। कितने ग्राम भैया ना? 75 ग्राम? 75 बतेरा। हमारा वर्कआउट तो हुआ कम्प्लीट, कोर का एक्सरसाइज जी, लोंडों की मदद टूट जा रही है। हम बैठ गए थोड़ी देर आराम करेंगे, पसीना सुबह का फिर चलेंगे। तो जी जिम से चल रहे हैं अब घर को, रास्ते में मिल गए हमें ये बुजुर्गों की मंडली। ये तो खैर योगी जी या मोदी जी समर्थक है भीषण वाले। तो जी विपक्ष जैसे एकजुट हो रहा है उसके बारे में क्या कहना है तुम्हारा? अरे विपक्ष कितनी देर का हो रहा है एकजुट? अरे 26 पार्टी एक जगह इकट्ठी हो गई, 26 भली और 52 भी हो जाओ भैया। अच्छा रहने हुई दो दो चार चार ही वोट आंगे। अच्छा तो कुल मिलाकर सरकार किसकी आई 24 में? सरकार तो बीजेपी की बनी रखी है, रखी है तो, और पूर्ण बहुमत से आ रही है तो बिना वोट डाले कैसे पता भले आदमी? वोट यार हम दिन भर रोड पे बैठे रहे हैं, हमें यही अरे रोड हर आदमी निकलता है, हर आदमी बता के जा रहा है कि बीजेपी बन रही है, बीजेपी बनेगी। तो आपकी क्या राय है साहब? मेरी राय ये है, हाँ जी एक फंक्शन में हम बैठे थे, ठीक है आदमी थे 100-150। अच्छा तो गुटबाजी सब जगह होती है, ठीक है बिल्कुल सही बात है। तो उसमें सपा के समर्थक थे बहुत, ठीक है गुटबाजी क्या वो आदमी की आजाद, हाँ आजाद सोच रहे हैं, हर आदमी हर एक का समर्थक, ठीक है। तो समर्थक थे वो समाजवादी के, अच्छा हम समर्थक थे बीजेपी की, ठीक है। तो थे क्या मतलब हो अब भी हैं, हाँ। और रहेंगे, ठीक है। जब तक हम जिएंगे जब तक हम बीजेपी के समर्थक रहेंगे। भाई इसी बात का जवाब दे दो, क्यों समझे नहीं? हाँ जवाब दे तो रहा हूँ ना इसी बात का। अरे सुन तो चलो तो इस बात का जवाब दूंगा मैं, ठीक है बताओ। जो मैंने कह दी ना अपनी जवाब, हाँ। बात का मैं आपको जवाब दूंगा, ठीक है बताओ। तो उन्होंने मुलायम की बड़ी खूबी गिनाई,
ठीक है, बहुत खूबी गिनाई। ठीक है, अब हम मैं सुनते सुनते बहुत देर हो गई, बर्दाश्त करते करते हाँ। तो मन क्या भाई, बीजेपी ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा? ठीक है, पहले ये बताइए, गन्ने का पेमेंट ऐसे और उसका ऐसे और उसका ऐसे। ठीक है, मनी अच्छा, बहुत बढ़िया बात। मन का यार, मुसलमानों ने हिंदू के जवान का सिर काट लिया, ठीक है, पाकिस्तान वालों ने, ठीक है, बॉर्डर पे। और मतलब मुलायम सिंह कह रहे कोई बात नहीं, हमारा छोटा भैया पाकिस्तान। ठीक है, तो हमने उनसे समर्थकों से कही, हाँ, मन ये बात सही है, हाँ, समर्थक क्या बोले? जवाब तो कुछ था नहीं, तो इसका मतलब वो मान रहे हैं कि वो मुलायम सिंह की बात गलत थी वो। हाँ ठीक है, तो मन क्या भाई एक बात बताओ, हमारे घर पे आए के और हमारे भैया का शीश काट ले कोई, तो हम तो साले को पूरे परिवार को जहन्नुम पहुंचा देंगे। बिल्कुल ठीक है, और मन क्या दूसरी बात ऐसी है, पिलोटों पर कब्जा कर लिए। ठीक है, पर अब ये सवाल तो सुन लो। अरे सुन लो भाई, पूरी हो जाने देखो बात, चलो बताओ। तो पिलोटों पर कब्जा कर लिए, लोगों की गाड़ियों में से भैंसे लेके निकाल गए। ठीक है, और मन क्या करा, किसी ने सुनी ही ना। ठीक है, अब मोदी पे आ जाओ तुम। हाँ, अभी बिल्कुल ठीक है, अपने आज बता रहे तुम। कमांडर बिग बी, हाँ, हमारा, हाँ, पाकिस्तान के जहाज को मारता पीछा करता उसकी सीमा पर गिर गया। ठीक है, उन्होंने पकड़ लिया। हाँ, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री ने बिना शर्त के उसे वापिस बुला लिया। ठीक है, अब तो जो बिना शर्त के बुला ले वो बढ़िया है, जो सिर कटवा दे वो बढ़िया। वो तो बिल्कुल ठीक है, सही बात है। हाँ, वो कहने वाली सुन लो, इसीलिए हम ये कहना चाहते हैं कि हम तो साहब मर जाएंगे लेकिन बीजेपी को ना छोड़े। चलो ठीक है, मोदी ने बढ़िया काम करा तुम्हारे हिसाब से, लेकिन मान लो बीजेपी प्रधानमंत्री को अगला कभी भविष्य में ऐसा बन गया जो नीति गलत बना दे, एक आधा कोई गलत फैसला है तुम्हारे हिसाब से बीजेपी का? कोई गलत फैसला है आज तक ना? कोई नहीं है, कोई नहीं। और विपक्ष का कोई सही फैसला? कांग्रेस की ना बुराई कर रहा है ना अच्छा ही कर रहा। अगर बुराई नहीं कर रहे तो इसका मतलब तुम कट्टर समर्थक तो बीजेपी के नहीं माने जाओगे फिर? ना, कट्टर समर्थक बीजेपी के ही है। अब फिर कहां समर्थक रहेगा जब तुम कांग्रेस की फुल बुराई नहीं कर रहे तुम? इसका मतलब कांग्रेस की कुछ नीति तुम्हें भाई भाती है? नहीं, मुझ पे उनकी बुराई के शब्द नहीं है। यानी उन्होंने कोई गलत काम नहीं करा है? गलत काम उन्होंने कोई नहीं करा ना। ऐसी वीडियो जैसी तुमने बनाई ऐसी वीडियो हमारी बहुत पहुंच गई है। अच्छा जी, और मिली नहीं आज तक कोई? तुम सोच रहे हो कि हम ही वीडियो बना? हां, लग तो मुझे ऐसी रहा कि तुम्हारी मैं ही बना रहा हूं जी। पर चलो बड़ी अच्छी बात है, हमारी बात मोदी जी तक जाएगी। हां हां, मोदी जी तक जाएगी पहुंचेगी जब तुम ऐसी बढ़िया भड़काऊ बात भाषण दोगे। चलो ठीक है, आज का बस विराम दे मैं।